हेलो गाइस, आज हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में, हम उसे सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक कोड, एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो जो चीज़ें उस प्रोग्राम को बनाने के लिए उसे रिलेट करती हैं, वो सब सॉफ्टवेयर में आती हैं। जैसे कि जो डाटा जिस पे वो प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा है, वो भी उसका सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। और जो डॉक्यूमेंट्स उसे रिलेट कर रहे हैं, वो सब भी एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। और सॉफ्टवेयर के बहुत से यूजेज हैं। आजकल ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स में सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। कोई फील्ड ऐसी नहीं होगी जो जिसमें सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो रहे। इसलिए जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है ऑलमोस्ट ऑल फील्ड में। जैसे कि बिजनेस डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, गेम्स, एजुकेशन एंड ऐसी बहुत सारी फील्ड्स में। और एम्बेडेड सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से होते हैं? जैसे कि कंप्यूटर है, टीवी है, माइक्रोवेव है, कार है। इन सब में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज एन एम्बेडेड सिस्टम यूज हो रहे हैं। अब हम इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिलेशन सेम वैसा है जैसे कि फिजिक्स का रिलेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ है, वैसे ही रिलेशन कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, या वो सेम है या डिफरेंस है। तो हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि जो फिज़िक्स है वो खुद तो इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन जो हम फिज़िक्स का यूज़ करते हैं मैकेनिकल चीज़ें बनाने में, इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाने में, उसे हम इंजीनियरिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई टीवी वगैरह बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाने के लिए फिज़िक्स का यूज़ करते हैं, तो हम उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। मैकेनिकल चीज़ें बनाने के लिए फिज़िक्स का यूज़ करते हैं, तो हम उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जो हम फिज़िक्स का यूज़ करते हैं, उसे सिविल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। ऐसे ही जब हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस का यूज़ करते हैं, तो हम उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर दूसरे सिस्टम से कैसे डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर और नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और दूसरे सिस्टम्स में, वो तो ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो वियर एंड टीयर के फिनोमेना से अफेक्ट नहीं करता, वो वियर एंड टीयर नहीं हो सकता। जबकि जो दूसरे सिस्टम्स हैं वो वियर एंड टीयर हो सकते हैं। वियर एंड टीयर का क्या मतलब है? कि जो चीज़ चलती चलती ख़राब हो सकती है। अब दूसरे सिस्टम्स हैं, लाइक अगर टीवी है वो चलते चलते ख़राब हो सकता है, बल्ब है वो चलते चलते फ्यूज हो सकता है, कार है वो चलते चलते ख़राब हो सकती है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा नहीं हो सकता कि चलते चलते उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए और वो ख़राब हो जाए। अगर सॉफ्टवेयर में कोई मसला है तो वो पहले दिन से ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चलते चलते उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए। इट इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। लेकिन अगर कोई गाड़ी वगैरह है तो वो ख़राब हो सकती है, उसमें वो वियर एंड टीयर के फिनोमेना से अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ देर चले और फिर अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए। सॉफ्टवेयर में जो डिफेक्ट होता है उसको हम नॉर्मली बग कहते हैं, और ये पहले दिन से ही होता है। ऐसा नहीं होता कि ये चलते चलते इसमें कोई डिफेक्ट वगैरह आए। और अगर इन चीज़ों में कोई डिफेक्ट आ जाए, कार्स वगैरह में कार का कोई पार्ट ख़राब हो जाए, तो इसे हम
मार्केट से जाके रिप्लेस कर सकते हैं। हमें पूरा वो ये नहीं कि हमारी कार ही वेस्ट हो गई, हम सिंपली मार्केट में जाएंगे, उससे रिप्लेस करेंगे उस पार्ट को, हमारी कार पहले जैसे ही वर्क करना शुरू कर देगी। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम मार्केट में जाएं, कंपनी में जाएं और उसकी कोई न्यू सीडी ले लें और उस सीडी में वो डिफेक्ट ना हो। जो मसला पहले जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसमें है, वही सारी सीडीज की कॉपी में होगा। जितने भी हमारी सीडीज हैं उन सब में वही प्रॉब्लम होगी। जो मसला जो डिफेक्ट हमारे वाली सीडी में है वही उनमें भी रहेगा। तो आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि वियर एंड टीयर का क्या मतलब है। जो दूसरा डिफरेंट है सॉफ्टवेयर और दूसरे सिस्टम्स में, नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में, वो चेंजिंग का डिफरेंस है कि जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें जो चेंजिंग की फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी हाई है एज़ कंपैरिजन टू अदर सिस्टम्स। अब इसका क्या मतलब है? सपोज कि एक कार बनाने वाली कंपनी है, वो एक साल में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स करती है अपने इसके मॉडल्स में, कार्स के मॉडल में काफ़ी ज़्यादा न्यू मॉडल रिलीज कर देती है, लेकिन जो चेंजिंग फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी लो होती है। मतलब कि थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं वो कार में, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी शेप चेंज कर देंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे, लेकिन जो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उसे काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई, मीन्स के वो उसका इंटरफेस चेंज कर देंगे और आलमोस्ट सारा सॉफ्टवेयर उन्हें चेंज करना पड़ता है। और जो सॉफ्टवेयर में जो बग्स की भी रीज़न यही है, जो ज़्यादातर बग्स आते हैं उनकी भी रीज़न इसकी हाई रेट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। जो चेंजिंग्स हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर में बग्स आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है। जब अर्ली 50s में कंप्यूटर्स थे, वो जब अर्ली 50s के कंप्यूटर न्यू थे तो इसलिए वो कम यूज़ होते थे, बहुत कम लोग थे जो कि कंप्यूटर यूज़ करते थे। लेकिन 1960 में कंप्यूटर के हार्डवेयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई। जो न्यू हार्डवेयर बनाए गए वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और पावरफुल हार्डवेयर के लिए हमें सॉफ्टवेयर भी पावरफुल चाहिए थे। ऐसे नहीं था, पॉसिबल नहीं था कि जो सॉफ्टवेयर हम पहले वाले 50s के हार्डवेयर के लिए यूज़ करते थे वही सॉफ्टवेयर अब हम यूज़ कर सकें, क्योंकि वो क्योंकि अब वाले हार्डवेयर पावरफुल थे और वो वाले पहले वाले सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं थे हो सकते, और हमें न्यू सॉफ्टवेयर राइट करने थे और उन न्यू सॉफ्टवेयर के को राइट करने के लिए भी हम वो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ नहीं थे कर सकते जो कि हमने 50s में यूज़ करके सॉफ्टवेयर लिखे थे। मीन्स के जैसे हमने 50s में सॉफ्टवेयर लिखे थे जिन टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, उन टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करके हम इन हार्डवेयर इन पावरफुल हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर नहीं थे राइट कर सकते, क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं थे, ये हार्डवेयर पावरफुल थे और इनके लिए वो सूटेबल नहीं थे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज के गांव में एक बंदा है, वो एक झोंपड़ा बनाना चाहता है और अगर हम उसे कहें कि तुम झोंपड़ा बनाओ तो वो थोड़ी मेहनत करेगा और झोंपड़ा बना लेगा। लेकिन अगर हम उसे दोबारा कहेंगे फिर तुम यही झोंपड़ा बनाओ तो वो उसे और भी अच्छे से बना लेगा। मतलब कि वो टाइम भी कम लेगा और जो झोंपड़ा बनाया होगा उसकी क्वालिटी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन हम अगर उसी बंदे को कहें कि लो भाई पहले तुमने झोंपड़ा तो बना लिया, अब हमें घर बना के दो, तो वो घर नहीं बना सकता। अगर वो कोशिश भी करे जैसे तैसे करके बना भी ले तो वो ठीक से नहीं बनेगा या रहने के काबिल नहीं होगा। तो ये इस एग्जांपल को अगर हम सॉफ्टवेयर से रिलेट करें तो वही मतलब कि जो पहले हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे वो अब हम न्यू के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो न्यू हार्डवेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे।
तो इनके लिए ये अगर हम यूज़ करते थे तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती थी, या तो वो लेट डिलीवर होते थे, या कंप्लीट नहीं थे हो पाते, या फिर ओवर बजट हो जाते थे अगर हम पहले वाली टेक्निक्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर लिखते थे। तो इन सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें सॉफ्टवेयर क्राइसिस का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, और इसमें यही मेजर इशू डिस्कस किया गया कि वो वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम ओल्ड टेक्निक्स यूज़ करते हुए इन सॉफ्टवेयर्स को नहीं लिख सकते। तो लोगों ने कहा कि क्यों ना हम इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को सॉफ्टवेयर्स लिखने के लिए यूज़ करें, जैसे कि हम मैकेनिक्स कल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, क्यों ना हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स यूज़ करें। तो इसी कॉन्फ्रेंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टर्म भी इंट्रोड्यूस हुआ। इन शॉर्ट के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नतीजा है, वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का रिजल्ट है। अगर सॉफ्टवेयर क्राइसिस ना होता तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी ना होती। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली जो है वो इन्हीं का टूल्स, टेक्निक्स और प्रोसेस का ही कलेक्शन है, और इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज डिज़ाइन टूल्स, टेस्टिंग एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एक वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर की, कि वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर अच्छा एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, और अच्छे सॉफ्टवेयर की कुछ क्वालिटीज होती हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो कब अच्छा होगा, कब एक वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर काउंट होगा, अगर उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, अगर वो रिलायबल होगा, उसका इंटरफेस अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कॉस्ट मुनासिब होगी, इफेक्टिव होगी, तो फिर ये पांच करैक्टरिस्टिक होंगे तो एक सॉफ्टवेयर वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर होगा। एक रिलायबिलिटी, यूज़र गुड यूज़र इंटरफेस, इंटरफेस फ्रेंडली होना चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो इफेक्ट कास्ट है वो भी मुनासिब होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट का क्या मतलब है। सॉफ्टवेयर को एक्चुअली एक बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता है। बैलेंसिंग एक्ट का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को बैलेंस करना। अब एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कास्ट को, यूज़र फ्रेंडलीनेस को, रिलायबिलिटी को, इस सब को मैनेज करना पड़ता है, कि कहीं अगर हम इसको यूज़र फ्रेंडली कर दें तो हमारी रिलायबिलिटी सफ़र ना कर दे, ये ना हो जाए कि जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाए लेकिन रिलायबल कम हो या एफिशिएंट कम हो। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बैलेंसिंग एक्ट का नाम देते हैं। कि अब जब हम सॉफ्टवेयर बनाने लगे तो इन सब का ख्याल रखें कि रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली कितना होना चाहिए। हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो इसे भी देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ कि हमने पानी में थोड़ी शुगर डाली है, और जब हम शुगर डालेंगे पानी में, पानी मीठा हो जाएगा, दोबारा और शुगर डालेंगे तो वो और मीठा हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही डालते डालते एक लेवल सैचुरेशन का ऐसा आ जाएगा कि जब हम और शुगर ऐड भी करेंगे तो वो पानी उतना ही मीठा रहेगा, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि हमारा नुकसान होगा कि हमारी जो शुगर है वो ही वेस्ट हो रही है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में अगर हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्वालिटी फर्दर इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसकी क्वालिटी ठीक हो जाती है, और अगर हम और इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा ही नुकसान होगा, हमारे पैसे ज़ाया होंगे, क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस सब को मैनेज करना पड़ता है।
आई होप आपको इस टॉपिक की और आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई फ्री टू आस्क इट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स पे भी वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।